हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द फिल्म वॉयज। आज हमारे साथ है मिस्टर संजय मिश्रा सर। सर को हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा सर को हमने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है। पिछले कई सालों से हम इनका काम देखते आ रहे हैं और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हर कोई ही सर का फैन है। और तो सर, सबसे पहले तो हम सबका प्रणाम आपको। शुरुआत करना चाहूँगा सर सवालों का, इस सवाल से कि आपकी फिल्मोग्राफी में, आपके पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, ये तो खैर कई लोगों ने हर जगह इस चीज का जिक्र किया है कि ढोंडू जस्ट चिल भी कर सकते हैं, आंखों देखी भी कर सकते हैं, पर एक चीज जो मैंने नोटिस की है सर, कि जिन जिन रोल्स में आप ये ढोंडू जस्ट चिल वाले रोल्स जो होते हैं, उसका जो उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसका जो बीज आया था, वो एक फिल्म थी सर 1-2-3, जो मेरी सबसे आपकी सबसे पसंदीदा, मतलब हमने जब हम बहुत छोटे थे तो हमने देखी थी, उसमें पाँव पाँव वाला जो था आपका, वहां से आई थिंक वो एक आर्केटाइप आप क्रिएट हो गया। वो क्या, वो उस रोल की क्या कहानी थी सर? वो आपने ऐड किया था या फिर वो था ही वैसा, या क्या चीज थी? हमारा जो हिंदी सिनेमा है वो बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जिनको वो हर बार वैसे ही देखना चाहता है। जी केशव मुखर्जी जो चरित्र थे, जो एक्टर थे, जिस तरह का भी चरित्र निभाए, समझे, अशीत सेन एक थे, कल रात में दिखी थी वो भूतिया घर की तरफ जाते हुए, तो हम जीवन जैसे थे, पहुंचो पहुंचो उस शक्ल दिखनी चाहिए, वो हर नारायण नारायण, वो हर फिल्म में एक ही जैसे थे, लेकिन दर्शक उनको दिल से लगा गया। जगदीप, सूरमा भोपाली नाम हमारा ही नहीं है, हर फिल्मों में वैसे ही थे। मैं जो फिल्में देखने जाता था, ठीक है, धर्मेंद्र है, विनोद खन्ना है, नवीन निश्चल है, अमिताभ बच्चन है, लेकिन साथ में जो बोनस पॉइंट्स वो है, तो मेरा एक कमर्शियल फिल्मों में आपके सामने बड़े बड़े एक्टर खड़े हैं, जो एक्टर होते हैं उनके सामने आप कहाँ खड़े हो, क्यों क्यों नहीं वो पुराना कोट फिर से पहन लियो, हाँ भाँ बम फटा क्या, तो ऐसे से उसकी शुरुआत थी। ऑब्वियसली डायरेक्टर से पूरे सलाह मशवरा के बाद मैंने ही उसको वो अप्रोच किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देख लो ज्यादा ना हो जाए। डायरेक्टर थे अश्विनी धीर 1-2-3 के। मैंने कहा यार अब कोई सचिन तेंदुलकर को ये बोले कि भाई ज्यादा मत खेलना, तो बहुत कंडीशन में उनको ऐसा बोला गया होगा कि अब खेलना मत क्या जाएगा। मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, बहुत बढ़िया बल्ले, लेकिन मैंने कहा यार खेलने दे मुझे ना, तो वो खेला गया और बेहतरीन हुआ। फिर उसके बाद हिंदी सिनेमा में, कमर्शियल सिनेमा में एक चीज है कि आपकी कोई एक चीज हिट हुई तो आप वैसे ही कुछ करो ना, तो फिर रोहित शेट्टी के ऑल द बेस्ट में ढोंढू जैसे वो शुरू हो गया। और अभी जो रोहित सर की मैं फिल्म कर रहा हूँ सर्कस, उसमें भी वैसा ही सब कुछ है, लेकिन बहुत ही बवाल है। तो एक वो सुर जो कमर्शियल सिनेमा का है, और मुझे कहीं से ये बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा के जितने भी सो कॉल्ड हीरो हैं वो हर फिल्म में एक ही जैसे होते हैं, तो मैं एक चरित्र अभिनेता हर फिल्म में एक जैसा क्यों ना, तो वैसा सा था और लोगों को पसंद आ गया। चूंकि हम सब एक ही खून के लोग हैं, तो जो हमारे दादा पापा लोग देखा करते थे, हम वो जो उनको जिस चीज में मजा आता था वही चीज में आज के जनरेशन को भी मजा आ रहा है, तो वो पसंदीदा है, वो तो बुराई नहीं है, मैं नहीं फील करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने कहीं पर कहा था ऐसा कि मतलब लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो आपने जी हैं, उनसे कई दफा आप अपने परफॉर्मेंसेस को एक तरह से जोड़ देते हैं कि अच्छा, ये यहाँ से मैं अपने लाइफ का एक किस्सा, एक वाक्या या ऐसा कुछ जोड़ूं। इस तरह की जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो ये
ये कैरेक्टर हो गया, या चाहे जैसे मैंने कहा था वो फिल्में जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं, जैसे जर्नी बॉम्बे टू गोवा में आपका कैरेक्टर था जो पंजाबी बोलता है फिर बंगाली बोलता है, इन सब में आपकी मतलब आप किस तरह से ऐसा करते हैं कि जैसा जो अश्विनी सर का कंसर्न था कि ये ज्यादा ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम देख के लगे यार ये गुरु कुछ मजाक मजेदार कर रहा है कुछ ऐसा। थोड़ा और करते तो और मजा आता। हाँ वो सर वो कंटेक्स्ट आप कहाँ से वो किस तरीके से आप करते हैं? देखो अगर तुम गायकी में हो, गायन में हो, या वादन में हो, या कथक में हो, कथकली में हो, पेंटिंग में हो, किसी भी कला का रियाज करना होता। और ये मेरा मानना है कि एक्टर जिस कला में है उसका रियाज अपने आईने के सामने क्या करेगा, बाहर जाके तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा ना, अपने कमरे में बैठे आईना देखते हुए हा हे हा कर रहे हैं। लेकिन तो जो लाइफ के आपके एक्सपीरियंस हैं, आपकी देखी हुई बात है, जैसे तुमने जो बॉम्बे टू गोवा गया बोला, वो मैं वाकई में बंगाल के कलकत्ता गया हुआ था। वहां एक सरदार था और तो सिर्फ बुझती पड़ी ना, मतलब समझ नहीं आया कि पंजाबी बोल रहा है कि बंगाली बोल रहा है। तो मालूम लगा कि यार वो यही जन्मा पैदा खड़ा हुआ है, घर में तो पंजाबी बोलता है लेकिन मार्केट संभालने के लिए उसको बंगाली बोलना पड़ता है। तो किचो कुछ आधा बंगाली आधा पंजाबी, तो इसमें एक हमने ही ऐड किया था कि टीनू आनंद मेरे बाप बने हुए हैं जो पंजाबी है, माँ बंगाली है, तो कैसा बच्चा खड़ा होगा सामने फ्रंट में, और हक भी है। तो मुझे वो सरदार जी बड़ा याद है, हम कह रहे यार एक सरदार थे तो क्यों ना हम तीनों आनंद पंजाबी है और मैं माँ को बंगाली बना लूँ, और एक ऐसा कुछ थोड़ा मुश्किल होता है बंगाली पंजाबी मिला के बोलना, तो ऐसा कुछ बनाते हैं बोलते हैं और हमारा हक भी है ये करने का, ऐसा कुछ बनाते हैं बोलते हैं। तो लोगों को अभी भी कई लोग कहते हैं, कोई नहीं याद दिलाता मुझे 1 2 3 या ऑल द बेस्ट या बबली या आपको मैंने देखा है बॉम्बे टू गोवा में, अरे बेटा वो भी याद है, मतलब ठीक है अच्छा है। तो जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं एक्टर का वही रियाज है, आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस जिसको आप जिंदा रखना होता है, वो सारे जो एक्सपीरियंस है वो तो आपका रियाज है, और कब पता नहीं किस महफिल में वो सुर में आपके आ जाए वो आप खुद भी नहीं जानते। तो ये सर ये रियाज रियाज का आपसे लाइक आप आपका रियाज से क्या रिश्ता रहा? क्योंकि हमने कई जगहों पर ऐसा आपके कई इंटरव्यूज में बहुत जगह पढ़ा है कि आप संगीत की भी प्रैक्टिस आपने एक एक एक, एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था आपके संगीत, और रियाज की इम्पोर्टेंस की बात जो आपने की है एज एन एक्टर आप हर वक्त रियाज करते रहते? एज एन एक्टर हाँ, संगीत मैं अगर एक्टर नहीं बनता तो संगीत का कुछ बनता जरूर, कुछ भी। लेकिन मैं बचपन से ही, मेरे में एक पन है जो आलसीपन है, मुझे आज भी कोई नया काम मिलता है तो पहले बुखार लगता है, अरे यार ये क्या हो गया फिर से नया काम, नहीं 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 करना नहीं करना। और मेरे बच्चे भी जान गए कि इनको कुछ मिलेगा तो ये, अरे बेटा अरे मेरे पापा करो करो, अरे नहीं करना। अभी सर्कस जो फिल्म आ रही है रोहित शेट्टी की, जो जिसकी शूटिंग कर रहा हूँ, जब उनका मैसेज आया संजय एक फिल्म करनी है, मेरे तो तीसों घड़े पानी पड़ गए। तो आलसीपना मेरा एक स्वभाव है, लेकिन संगीत में रियाज मांगता है बॉस अपने तरह का, जिसमें आपको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो इतना नहीं था बूता मेरे उसमें, लेकिन हाँ जो एक्टिंग का रियाज है जिसमें आपकी आंखें खुली होती हैं, जहां आप चीजों को महसूस कर रहे होते हैं, जहां दर्द होता है, जहां खुशी होती है, जहां मजा भी आता है, वो रियाज मेरा बहुत पक्का है, उस रियाज में मुझे मालूम है। इसलिए मैं थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का भी आदमी बन गया हूँ, हे भगवान माफ कर दो इसको, इसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे चीजों को देख देख के आजकल जिस तरह से न्यूज और सारी चीजें आप सुनते हैं देखते हैं,
आपको लगता है कि भगवान माफ कर दो इसको, मतलब तो वो रियाज में मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा है जो मेरे एक्टिंग में काम में आता है, एक्टिंग में काम में आता है कैसे, क्योंकि मैं बड़ा अलग से कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, मुझे बताओ तुम कि मुझे तुम क्या करना है, मुझे दिखाओ तुम कि मुझे क्या करना है, अगर एज अ डायरेक्टर तुम मेरे डायरेक्टर हो तो मुझे दिखाओ, तुम मुझे दिखाओगे तो मैं समझ पाऊंगा और तुमको भी समझ में आएगा कि तुमको क्या दिखाना है। तो रियाज है बॉस, रियाज हर एक्टर को जिंदगी में हर तरह की चीजों का करना चाहिए जी। हर तरह की चीजों का एक रियाज होना चाहिए कि हाँ दोस्त ये है ये है ये है, चीजों को समझना और तीसरी निगाह से रियाज, ये नहीं कि घुस गए, तीसरी निगाह जो होती है ना कि एक तुम हो और एक तुम हो, एक मैं हूं जो तुम दोनों को देख रहा हूं, वो वाला रियाज बहुत जरूरी है। आई होप कि तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। जी सर बिल्कुल सर। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर को आपको फिल्म दिखानी होगी कि अच्छा आप इस तरह से देख रहे हैं, पर सर तब क्या हो, मतलब तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं जब कई दफा कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नरेट उतनी अच्छी नहीं करते हैं फिल्म, या आपको उतने अच्छे से विजुअलाइज करके नहीं करा सकते कि आपको दिखा नहीं पाए, पर उनकी स्क्रिप्ट या उनका जो विजन है या टेक्निकल चीजें हैं या 50 तरह की चीजें होती है जो जिन पर उनका कमांड तगड़ा होता है, उन तरह के फिल्मों में या उन तरह के सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं रोहित शेट्टी हूं, वैसे वो मुझे फिल्म दिखा नहीं पाते, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है उनका जो, तब आप उस पर छोड़ देते हैं, तब आप उन पर छोड़ देते हैं कि ये मेरी चीज को अंडरलाइन करवा देगा, डोंट डू जस्ट चिल, ये विजुअल नहीं था, आंखों देखी में आप विजुअल बना सकते हैं, कामयाब में आप विजुअल बनवा सकते हैं या डायरेक्टर बना के दिखा सकता है, लेकिन डोंट डू जस्ट चिल में विजुअल नहीं बनता, डोंट डू जस्ट चिल में रोहित शेट्टी के दिमाग में जो है कि इसको मैं कैसे अंडरलाइन कराऊं, तो आपको एक उस डायरेक्टर पर भरोसा कर लेना होता है, लेकिन कुछ डायरेक्टर होते हैं जो नरेट अच्छा नहीं कर पाते लेकिन एग्जीक्यूट भी अच्छा नहीं कर पाते, तब थोड़ा दुख होता है कि अब कहाँ फंस गए गुरु, फिर वही है अपना संगीत सुनो खाना बनाओ, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं 20 दिन आपको दे रहा हूँ और आपकी फिल्म कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, तो चलो अब हर बार हर मैच थोड़ी अच्छा होता है। सर आंखों देखे जब आपने देखी थी तब आपने राजीव सर को शायद अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने देखी थी तब आपको शायद ऐसा ही लगा था कि यार ये गड़बड़ हो गई ये कुछ मतलब, बाद में ऑफकोर्स आपने समझी वो देखिए तो, हाँ ऑडियंस ने कभी मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी आंखों देखी जैसे, ना कभी मुझे मौका मिला था ऐसा कि मैं, तो जब ऑडियंस ने नहीं उम्मीद की थी तो मैं भी कैसे अपने आप से उम्मीद कर लूं, और पिक्चर जब पहली बार जब मैंने देखी मैंने कहा बे ये क्या चिरकुटाई है यार, ये क्या हो गया भैया, ये तो बहुत बड़ा कांड है यार, ये तो क्या है ये क्या, क्योंकि अपने ऊपर एक भरोसा नहीं होता ना, यही कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने आंखों देखी की मैंने की है, ना 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 ये एक्टर में होना चाहिए गुरु। आज भी मैं किसी शूटिंग में जाता हूँ यार हो पाएगा यार डायरेक्टर, अरे हो जाएगा सर आप क्या बात, नहीं यार नहीं हो पाएगा, अभी मैं जो सर्कस कर रहा था और इतने लंबे लंबे सीन एक साथ, मैं बार बार रणवीर सिंह को कहूँ क्या गुरु संभाल लोगे क्या, सर आप मुझे संभाल लो, आप बोल लो मैं संभालू, नहीं नहीं हो पाएगा यार रोहित भाई हो पाए, सब हो पाएगा, तो ये मुझे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट वाली चीज जो होती है ना वो गोड़ देती है यार, बने ही इसीलिए कि हर बार अरे यार इस बार एक है थिएटर में एक होता है थर्ड बिल तीसरी घंटी, एक्टर जो होते हैं धुक 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 बस अब ये घुसना है स्टेज पे घुस चाओ, तो वो बस ये घुसना है स्टेज, उसमें शुशु पॉटी दिल में दर्द मुंह में प्यास सब आने लगती है, बाप रे बाप भले ही आप 50वां 100 कर रहे, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस की जो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक होता ओवर कॉन्फिडेंट एक होता अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब वो एक मेरे साथ वर्क करता है कि बॉस खुल 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 धक 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 क्या होगा कल से नई शूटिंग, कल से मेरी वाकई एक दूसरे फिल्म की नई शूटिंग है,
और मैं धक धक क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किधर होगा, ये सारी चीजें रहती हैं और इससे काम कभी कभी अच्छा भी निकल आता है। जी सर, कई तरह का ओपिनियन होता है लोगों का एक्टिंग के ऊपर कि आप किरदार बन जाएं या आप उसको विजुअलाइज करें, अपने आप को उस सिचुएशन में विजुअलाइज करें, मेथड एक्टिंग जो एक बहुत ही अब्यूज टर्म हो गया आज के टाइम पे कि मेथड एक्टिंग करें। और एक नसीर साहब ने कहीं पर कहा था कि उनको इश्किया के वक्त अभिषेक चौबे समझा रहे थे सीन के, ये थीमेटिकली सीन यहाँ है, इस कैरेक्टर का ये मतलब है, ये उन्होंने खाली तब पूछा अबे करना क्या है। आप किस तरह के स्कूल ऑफ थॉट से वाकिफ रखते हैं सर? देखिए, मैं जैसा बोला कि मुझे डायरेक्टर कैरेक्टर दिखा दे, उसने मुझे रीडिंग में, स्टोरी टेलिंग सेशन में कैरेक्टर दिखा दिया, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। कल जो मेरी शूटिंग होने वाली है, आज डायरेक्टर आके पूरी स्क्रिप्ट सुना के गया, अब मैं वहां जाऊंगा कि अच्छा ऐसा सा घर है मेरा, या ऐसी सी ऑफिस है मेरी, ये इस तरह के कलर्स लगे हुए हैं ऑफिस में, तो मतलब किसने लगवाया होगा, किराए पे तो नहीं लिया हूँ, नहीं ये कलर्स मेरी पसंद है, तो अगर ये कलर्स मेरी पसंद है तो मैं किस तरह का बंदा हूँगा। किस तरह से ये सिचुएशन होगा, ये घर है, इसमें सात दस लोग हैं, छोटा सा फ्रिज है, आंखों देखी में एक फ्रिज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो कभी भी खोलते हैं बाबूजी, और ऐसा सा फ्रिज है, इतने लोग हैं, तो किस तरह के सिचुएशन में रह रहे हैं ये, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है मुझे उस जगह पे घुसने की, और उसमें घुसता कोई घुसता मैं ही हूं, आंखों देखी में जो अंधा बनता है वो संजय मिश्रा ही है, कि काश काश नहीं, सपोज मेरी आंखें नहीं, मैं इस जगह पे बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। और मुझे कभी कभी लगता है सिनेमा में ना कैरेक्टर का पर्टिकुलर वो सीन होता है, पूरा कैरेक्टर नहीं बन जाता लाइफ लॉन्ग, उस पर्टिकुलर सीन में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं आपके पास, बंधन है उसमें, इस सीन में आप हंस नहीं सकते, इस सीन में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो सीन को लेते हुए कर लेता हूँ, बाकी डायरेक्टर पर छोड़ देता हूँ। जैसे अब आंखों देखी की ही बात जैसे आपने की, उसमें जो कैरेक्टर जब डिसाइड करता है, वो जो डिसीजन उसकी सोच में आया है कि अरे यार ये लड़के को जिसको मारने गए थे लड़का तो ऐसा नहीं था जैसा तुमने कहा था, वो एक आई थिंक एक ट्रिगर पॉइंट था उस सीन में कि उसके बाद से अगले सुबह बाबूजी ने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा अब मैं जो देखूंगा वही मानूंगा। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो डिसीजन है जो इंटरनल है, वो एक सीन से दूसरे सीन के बीच में कहीं हुआ है। जब वो सीन आपको परफॉर्म नहीं करना है तो दो एक सीन से दूसरे सीन में कि अच्छा यहाँ आप कैरेक्टर बदल चुका है, वो स्विच आप कैसे करते हैं? देखिए, दो सीन के बीच में एक सीन है जिसको दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन एज एन एक्टर आप उसको महसूस तो कर रहे हैं ना, महसूस तो कर रहे हैं ना, कि इस सीन से उस सीन के बीच में एक सीन होगा जिसमें, उसमें कहीं बताया नहीं गया है कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने क्या किया, मैंने उस बच्चे को मारा, ये कहीं बताया गया नहीं, जी लेकिन वो एटीट्यूड में दिख रहा है, हे मत मारो उसको, छोड़ो उसको, हटो 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 हटो, हालांकि झगड़ा हटा रहा है वो, ये नहीं 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 अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्या करें, बाप है ना, इसलिए मत तंग करो उसको। और उसके बाद कटून दिखाते हैं कि वो एक मून से खत्म होता है, और वो बंदा बैठा हुआ है, और कितनी बड़ी, मतलब फिल्म का वही तो वो है कि जिस चीज को देखा ही नहीं आपने मान लिया कि फलना ऐसे है,
हैं, लोगों ने कहा और आपने मान लिया कि फल्ला ऐसे है, जब आप उससे मिलते हो तो फल्ला कुछ अलग ही दिखते हैं। जिस बंदे ने बोला कि अरे वो बहुत वो है वो है वो है, उस मतलब पूरी फिल्म ही वही है कि जब तक आप अपने आंख से नहीं देख लेते हो कैसे जान पाओगे कि कहाँ हो क्या हो। मैं अभी तुमको बोलूंगी मैं लंदन में बैठा हूं, क्या फर्क होगा, इतना ही चौड़ा तो है, क्या फर्क होगा। जब तक आप मान भी लोगे कि हाँ मैं लंदन में बैठा हूँ, लेकिन जब आप अपने आंखों से देखोगे तो मालूम चलेगा दिल्ली में बैठा हूँ। और दूसरे रोल्स जिनके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की है, शुरुआत करते सर बहुत बहुत पहले का रोल जो है आपका दिल से में, जिसमें आपका जो मतलब मुझे वो मैं अब देखता हूँ तो वैसा ऑफ स्क्रीन एक डायलॉग है, जाओ चाहे मत जाओ मुझे क्या, मनीषा कोइराला का जो आप कहते हैं, वो सर वो रोल के बारे में आप जो बात करते बड़े फैसिनेशन के साथ बात करते कि उस वक्त आप सीख रहे थे, उस वक्त आप सीख रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म आप सोचिए, मैंने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म की थी ओ डार्लिंग ये हिट इंडिया जी, उस समय कुछ नहीं मालूम था कि ये किंग खान और एक्टिंग के बादशाह बन जाएंगे, और उस समय उसकी एनर्जी बवाल थी, तो मुझे उसकी एनर्जी से बड़ा इंस्पायर्ड होता था। मुझे आज भी लोग कहते हैं सर आप इतना कहां से एनर्जी लाते हो, ये शायद वहां का कहीं कुछ एक छोटे से दिमाग में मणि रत्नम, आप मेरा रोल मत देखिए उसमें कि क्या रोल बड़ा चूज किया था, वो घंटा चूज ये था कि मणि रत्नम उनके पहले की फिल्में बॉम्बे रोजा संतोष शिवन, अरे बाप, जिनको आप देखते हैं तो लगता है वो हो अगर आज सत्यजीत रे जिंदा होते फिल्म बना रहे होते तो मैं शायद उनके पार्ट होता, रोल नहीं देखता, कि मुझे इनके साथ होना है बस, मैं दूर से खड़ा होकर इनको देखता रहूं। मैंने अभी संतोष शिवन के साथ एक फिल्म की है मुंबई का, मैं दूर से उस बंदे को देखता रहता था, जब भी मेरा पैकअप हो जाता था मैं कहता था ओहो हो क्या पैकअप, क्यों अच्छी किताब तो पढ़ रहा था क्यों बंद करवा दिया। तो दिल से तुझे वो डायलॉग याद है मुझे, मैं तो देखता भी नहीं हूं, अगर आज भी देखूंगा दिल से तो अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं दिल से फिल्म देखूंगा। तो वो एक शुरुआत के लिए बहुत जरूरी था, वो यार देखो हम लोग कोई ऐसे एक्टर तो नहीं है कि रातों रात एक्टर बन गए, बनना है गुरु, कहीं तो कुछ सीखना है गुरु, जानना है गुरु। रामगोपाल वर्मा सत्या एक फिल्म थी, क्या था उसमें, जब वहां भी कोई पैकअप बोल देता था तो डर लगता था क्या हो गया ये पैकअप क्यों बोल दिया, इतना बढ़िया तो राम गोपाल वर्मा वो काम करते हुए देख रहे थे, यू सिट हियर एंड डू दिस एंड दिस दैट, हाय 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 कितना सोच रहा, किसी किसी फिल्म में तो मन कर रहा है पैकअप क्यों नहीं बोल रहा यार, जाओ खत्म करो काम। लेकिन ये लोग तो ये मेरी बेसिक, मैंने ये बुक्स पढ़ी नहीं, उसमें क्या रोल है क्या नहीं है, मैं वो किताब था दिल से मेरे लिए किताब थी, सत्या एकदम पूरी किताब थी, पंकज पराशर एक डायरेक्टर हुआ करते हैं वो मेरे लिए किताब थे कि यार डायरेक्टर सोचता कैसे, मैं इनको देखूंगा, इनको देखता रहता था मैं एकदम जैसे प्यार से इश्क में पड़ा हुआ था इन लोगों को कि मैं देखूंगा, तो दिल से वैसी वाली फिल्म थी। उसके आगे सर इस तरह का क्या क्या डायलॉग क्या था, उसका डायलॉग था ना सर वो मनीषा कोइराला जा रही होती है कि बात हुई तो रहा हो गया, कहाँ जा रही हो तो तुमसे मतलब, जाओ चाहे मत जाओ मुझे क्या नीचे जा रही होती है आप बोलते हैं, मुझे याद आ गया जी। तो इसके बाद सर आते एक और रोल है आपका जो बड़ा जो बहुत लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, और पर वही है कि एकेडमिकली उसको ज्यादा लोग डिस्कस करते नहीं है, वो है सरजू महाराज बनारस वाले अपना सपना मनी मनी, वो रोल जो था कि आप भी ना जो आप करते थे उसमें वो सर क्या आप कर, बाद में तो हमने इंटरव्यूज में जब सुना जो नीलेश सर को आपने इंटरव्यू दिया था उसमें आपने बताया था कि आप महाराज लोग को इन सब लोगों को आप देखते थे,
जब आप बनारस में थे तो वहां से आप उनकी जी कथक केंद्र था हमारे मिशन स्कूल, और ड्रामा में तो ऐसे ऐसे लोग दिखते थे। नहीं वो रोल में क्या आप, वो पेपर पर ही ऐसा था या फिर वो भी वैसा ही था कि खेलने दो? पेपर पे था। देखो मुझे कभी कभी लगता है जब आपको 2 रुपए मिलते हैं तो आप जो पेपर पे है उससे थोड़ा ऊपर उठाइए उसको, ताकि डायरेक्टर आप पर डिपेंड हो जाए कि यार अगली पिक्चर में यार मतलब इसको लेना ही लेना है। ये मैं जो सोचता हूँ उसको थोड़ा ऊपर उठा देता। ऐसा कुछ नहीं था वो करते हुए वो रोल की, मतलब लोगों को पसंद आया। मतलब कई उस समय कई क्रिटिक, मतलब उस समय तो लोग नाम भी नहीं जानते थे मेरा, कई क्रिटिक्स ने भी मुझे आके कहा अरे आप है तो पिक्चर में लगता है कुछ है, आप बिना आप बिना। ने कहा हाँ यार। अगेन संतोष शिवन कैमरामैन के भाई, संगीत शिवन, वेरी फिल्मी, बहुत सिनेमा खून। इस संगीत शिवन, संतोष शिवन के खानदान में सिनेमा खून में रचा हुआ है। तो अगेन वही चीज। और सर और साउथ इंडियन डायरेक्टर, उसके सामने एक बनारसी कैरेक्टर करना, उसके एक बारीकियों को वो जो पकड़ पाएगा नहीं तो। रितेश देशमुख, उसके साथ हमने छोटा मोटा कुछ 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 कहीं कहीं किया हुआ था, तो निकलना चालू हुआ, तो निकलना चालू हुआ। आप भी ना ये वो, अरे बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में याद दिला रहे हैं। तो जी मजेदार था वो भी, और अच्छा लगा वो लोगों को कि आप बनारस वाले, सरयू प्रसाद, सरयू महाराज सरजू महाराज बनारस वाले बनारस वाले, बनारस भी रिलेटेड था मुझसे तो। और ये सब काम ऐसा नहीं कि मैं सोच के किया था, जी सामने से ऑफर आया, हाँ करेंगे, देखते हैं ना करके। तब तक पापा नहीं पैदा हुआ था, पापा हाँ, तब, उस टाइम नहीं था। तो ये सब पापा पैदा करने की तैयारी थी, जी समझ लो। हम लोग बड़े घिसे पिटे एक्टर हैं, घिस घिस के पिट पिट के हर सीढ़ी पर अपने आप को प्रूफ करते हुए। और ये प्रूफ ऑडियंस को नहीं करवाना था उस समय, अपने डायरेक्टर्स को कि सर इसके पहले वाली मेरी फिल्म देखिए, मैंने खराब नहीं किया तो आप मुझे करने दीजिए। बिल्कुल लोग कहते हैं कि आज आज अरे छोड़ो डायलॉग वालों छोड़ो, संजय मिश्रा है वो अपने हिसाब से बना लेगा। तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा जो डर थी जब मैं सिनेमा में आया था, मुझे सिनेमा से प्यार है एक्चुअली। एक्टर वो एक्टर मैं कभी नहीं सोचा था। मुझे मालूम था कि मैं कैमरा में कुछ कर लूंगा, आर्ट डायरेक्शन में कुछ कर लूंगा, कुछ तो कर लूंगा, मैं कोई स्टूडियो ही संभालूंगा या किसी छोटे शहर में सिनेमा हॉल का मैनेजर बन जाऊंगा, एक्टिंग मिल जाए तो कर जाऊंगा। तो ये प्रयास लेके हम लोग गए थे। तो इसमें अपने आप को हर जगह हर स्टेप पे प्रूफ करवाते। और सबसे ज्यादा डर क्या होता था, डायलॉग याद है आपको? डायलॉग याद है, डायलॉग याद है। ये आज हर एक्टर डरता है, सर मेरा डायलॉग, मेरा डायलॉग मुझे याद करना है, मुझे डायलॉग याद करना है, इज नॉट अ एक्टिंग है। उस डायलॉग में रच बस जाना। आज लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो आपका किया हुआ था ढोंगू या जस्ट चिल या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, तो मतलब कितना बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन है कि राइटर और एक्टर में ऐसा हो गया कि अबे ये लिखा हुआ बोल रहा है कि बोला हुआ लिखा गया है, क्या करा जा रहा है ये। तो ये अवस्था तक आने के लिए ये सब सरयू, दिल से, बंटी बबली, वो बंगाली, और वो क्या था, जब बॉम्बे टू गया गोवा, और भी कई पिक्चर मुझे याद भी नहीं है। मैं दिलाऊंगा सर याद हाँ मैं दिलाऊंगा सर याद, आगे आगे ऑफिस चलते चलते करेंगे जी। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ये सब बहुत जरूरी था मेरे लिए। हाँ गुरु, उसके बाद एक सीरियस फिल्म पकड़ते हैं आपकी, जिसके बारे में क्रिटिक्स लोग बहुत पसंद करते हैं, बात कर रहा वो मसान। मसान का जो आपके में जो आपके परफॉर्मेंस थी, बड़ी अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस थी, बहुत इंटरनल थी। तो उस तरह के रोल में जहां पर, जैसे आपने कहा कि आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं मोस्टली, अगर आप समझ जा रहे हैं, अगर आप वो दुनिया में बिलीव कर रहे हैं तो आप कर जाते मेहमान हैं। की भी नहीं पड़ी थी मेरे पास, स्क्रिप्ट भी नहीं उसकी। तो उसमें सर जिस वो डायल वो कैरेक्टर से ज्यादा जो भी फील कर रहा है वो बहुत कुछ अंदर है, उस तरह के रोल के लिए जिसमें, उसमें आपने फिर फिल्म देखी कैसे? जब अगर जैसे जिसका आपने बात कहा था कि नीरज ग्यावाल ने पूरी कहानी सुना दी, जी
स्क्रीन पे सुना दिया। अब वही बात जो आपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, रियाज से जो सीखा है, उसको देखते हुए लगा बनारस, टीचर, ऐसा हुआ है उसके साथ। ट्रांसलेट करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है जिससे घर चलता है। तो मुझे मेरे पिताजी दिखने लगे हूबहू, और मैं अपने पिताजी का वैसे ही बच्चा जो पिता को हमेशा मुसीबत में डालने वाला। लेकिन बाप को मालूम है कि बच्चा चिरकुट नहीं है, लफंगा नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए। तो वो एक जो इंटरनल सन्नाटा उनका, कितनी बार मार सकते थे मुझे, मेरे पिताजी मुझे खटा 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 नहीं मारते थे। ये उन्हीं की फोटो लगी हुई है पीछे। तो मुझे मेरे पिताजी दिखे यार, ज्यादा कुछ सोचा नहीं गया, उस पर कोई थीसिस नहीं लिखा गया कि संजय मिश्रा ये सीन है और आपको पता चलता आपकी बेटी का ऐसा ऐसा है। अगर आपके पिताजी होते तो मैं क्या करते, मेरे पिताजी होते तो क्या करते। एक जो भी है, मेरे पिताजी टीचर नहीं थे बट स्वभाव ऐसा ही था, थाने में बैठ करके पाठक, हाँ पाठक, कहीं से ट्रांसलेट करें। एक किचन में सीन है, वो बाप बेटी जाने वाली है और बाप कुछ बना रहा है, मुझे तो मेरे फादर दिखते हैं उसमें, हालांकि रोल मैंने किया है, लेकिन मेरे पिताजी वो दिखते हैं उसमें, मतलब टोटल मेरे फादर थे। कड़वी हवा भी एक फिल्म है मेरी जी। मैंने कहा गुरु उड़ती तीर ले लियो, अंधा, शराबी, पागल, ये सब की एक्टिंग बहुत क्लीशे एक्टिंग होती है सिनेमा में जी। ये उड़ती तीर ले लियो बहुत गलत, अंधा अंधा, लेकिन करने बैठा वही वही अपना तरीका। अगर आप अंधे होते विदाउट एक्टिंग किए हुए आप क्या क्या कर सकते। महसूस वाली बात, महसूस उस चीज को महसूस। तो इसलिए जो तुम्हारा पहला या दूसरा सवाल था वो रियाज, लाइफ का जो रियाज है लाइफ में, आप रियाज तो हर कोई करते हैं। कई लोग हैं, लोग हारमोनियम बजा के सुबह सुबह सारे गामा, वो पिछले 20 साल से सारे गामा ही कर रहे हैं, वो राशिद खान नहीं बन पाए। रियाज में भी जिंदा होना, दिमाग लगाना बहुत जरूरी कि कहाँ पे मेरी सांस टूटती है, मैं इस चीज को कहाँ से उठा के ले जाऊं। एक्टिंग में भी ये रियाज बहुत काम आता है, ये लाइफ का जो एक आपका जीना है जिसको मैं कहता हूँ, एक्टर ही एक ऐसा प्राणी है जो लाइफ जीता रहता है। लाइफ को जीते रहो हर मोड़ पे, हर पक्ष पे। आजकल के डेट में आप देखिए ना, जब लिस्ट दी जा रही है इतने मरीज बढ़े, इतने मरीज घटे, इतने लोग की मृत्यु दर, और आप उसमें जिंदा हैं, तो आप क्या थॉट आ रहा है आपकी लाइफ, मुझसे पूछो ना आजकल क्या थॉट आ रहा है आपकी लाइफ, क्या रहा है सर? ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, बस इतने आगे का नहीं, ये कहाँ आ गए हो, यही थॉट आ रहा है ना। सारी कहावतें, सारे श्लोक, सारी किताबी बातें एक किनारे हो गई हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी जैसी लगे, आज ही मैंने सुना या कहीं पढ़ा कि इस बीमारी की वजह से सारे यंग लोग अपनी अपनी वसीयत लिख रहे हैं। अरे किसको लिख रहे हो वसीयत? जो वसीयत जिसके नाम लिख रहे हो वो भी उसी तलवार पे खड़ा और आप भी उसी तलवार पे खड़े हैं, ये कहाँ आ गए हम। तो ये एक्सपीरियंस करने का कितना जबरदस्त चीज है ये,
आज आप है मालूम चला एकाएक कोरोना हुआ, लास्ट इंटरव्यू तो संजय मिश्रा का मैंने ही लिया था, अरे 5 दिन पहले क्या हुआ क्या, अरे एकाएक कोरोना हुआ फेफड़े में कुछ हो गया, नहीं 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 अब यहाँ से शुरू होगी दूसरी कहानी, सिगरेट पीते हैं इसीलिए मर गए। तेरी जात का पूरी जिंदगी काम किया तो वो कुछ नहीं गया, खाली सिगरेट पीते थे इसलिए मर गए। तो ये सब अब एक्सपीरियंस का दौर है यार, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस का दौर है कि घर बैठे आप क्या सोते हैं सोचते हैं, कैसे सोते होंगे आप जब पूरे दिन इस तरह की न्यूज पढ़ते चलते हैं और सारी चीजें देखते चलते हैं, कैसे नींद आती होगी आपको, इतने इनह्यूमन तो नहीं होंगे आप, और एक्टर को तो कभी इनह्यूमन होना नहीं चाहिए। खैर जी, तो सर ये जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है कि आप आपके ऊपर प्रभाव पड़ता रह रहा है, कई लोग होते हैं जो इस उन जो अपने ऊपर पड़ते प्रभाव के बारे में अवेयर नहीं होते कि अच्छा हम ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त और हम ये चीज एक एक एहसास हो रहा है अंदर से। तो जो लोग एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या जो लोग एक्टिंग करने का रियाज कर रहे हैं, ये महसूस करने करने का भी जो एक रियाज है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है? देखिए जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था तो मुझे इतिहास, जबकि सबसे इंटरेस्टिंग मेरा सब्जेक्ट जो था मेरे लिए वो इतिहास था, हिस्ट्री, लेकिन मुझे कभी हिस्ट्री दिखाई नहीं गई, हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई, क्या बोल रहा हूं मैं, दिखाई नहीं गई पढ़ाई गई, हाँ इतिहास देखने की वाली बात होती है, हिस्ट्री महसूस करने वाली बात होती है। इतिहास तो पढ़ा जाएगा, पढ़ते तो है ही है, लेकिन जो कत्लेआम हुआ जो अच्छी बातें हुई वो हम महसूस क्यों नहीं कर सकते? हमने कभी अपने इतिहास के टीचर से पूछा कि जब आज तो इतना है कि आप अभी यहां बैठ करके कहीं भी सुना सकते हैं, आपने कभी इतिहास के टीचर से पूछा कि उस समय मैसेज क्या था, मैसेज भेजने का तरीका क्या था, है ना, इतनी दूर, और भारत का तो मानचित्र और बड़ा था कि कैसे किसी सैनिक को बताया जाता होगा कि आप बाप बन गए, क्या क्या चीजें होती होंगी। तो वो चीजें हमने छानबीन करने की कोशिश, हमारे इत्रों में, इत्र जो होते हैं इत्र समझते हो, जी जी सर, तो परफ्यूम होते हैं, जी सर, मौसम के हिसाब से परफ्यूम होते हैं, ये बात हमें किसी ने बताई, सेंट है लगा लो, अरे उसमें खस है, खस गर्मियों में लगाया जाता होगा क्योंकि उसमें जो खुशबू है वो ठंडक की है, उसमें हिना है जो जाड़ों में लगाया जाता हो, तो ये किसने ईजाद किया? तो ये सारी चीजें ये मेरे दिमाग में थी, फेल हो जाता था अलग बात थी, लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग में थी। तो महसूस करने वाली जो कला है वो बचपन से थी मुझे। मैं एक बार आ रहा था एक यहाँ सीपी में एक हंसल बिल्डिंग था या क्या, मैंने वहां से एक आदमी को आग लगी थी गिरते हुए देखा था, और मैं स्कूल बस में था, मुझे लगा ये मेरे पापा हैं, और मैंने उस समय कहा वो होगी कविता जैसी कुछ लिखी थी कि खाना बंधवा के लेके गए थे वो घर से काम करने के लिए हमारे लिए, आज मैंने उन्हें गिरते हुए देखा। तो ये महसूस वाली बात है, एक्टर को महसूस करना चाहिए, एक्टर को देखो, एक एक्टर होता है आईना देख के एक्टर बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टर मने कि लंबा है चौड़ा है बिल्डर है ये है क्या लगता है। मैं किसी इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है कभी कभी कि आ जाइए जरा आप एक्टरों को जरा बात कीजिए, तो इंस्टीट्यूट में घुसा तो आमिर खान से लेकर के ऋतिक रोशन तक, रोशन तक का पोस्टर, और उसके बीच में तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे दिखने वाले लौंडे, भैया ये जो फोटो लगा है क्या ये बनना चाहते हो? जी सर, हम क्या वैसे तो दिखते भी नहीं हो,
जी सर, मैंने कहा बस आज की एक्टिंग क्लास वैसी ही है मेरी, समझ रहे हो कि नहीं? जी सर, वो अलग, मैं उनको भी कह रहा हूँ एक्टर एक्टर हैं वो भी, मैं और मेहनत करते हैं वो, लेकिन क्या तुम, तुम्हारी जैसी शक्ल या मेरी जैसी शक्ल वाले लोग किसी की तरह बनना क्यों है? तुम क्या हो बे, तुम क्यों नहीं हो एज एन एक्टर? और तुम कब बनोगे? जब तुम अपने दिल से बात करोगे। क्या है रथ, क्या है जो महाभारत का रथ है, क्या है वो? आपकी बॉडी वो रथ है। यहां पे कृष्ण है और यहां पे अर्जुन, ये कहता गुरु आज थोड़ा सा, कह नहीं 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 थोड़ा सा नहीं गुरु आज मुंह खोल के चलता हूं सड़क पे, कह नहीं 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 कोरोना हो जाएगा, ये बोलता है कृष्ण और रथ चले जा रही है। तो इसको क्यों नहीं मार्च करके सॉलिड बनाते हो? हाँ इससे सर बढ़ते आगे आपके इसी महसूस करने वाली बात, जो एक्टर को महसूस करना चाहिए, तो एक कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है रिसेंटली, जो आपका बहुत सब लोगों को ही अचानक से ही ऐसा लगा कि अरे यार ये तो आंखों देखे बाद एक नया ही रूप देखा सर का, वो थे कामयाब में सुधीर का रोल। तो उसमें एक सीन है सर जिसमें ऑडिशन का जो सीन है जिसमें वो कहता है कि अच्छा ये जब वो पढ़ लेता है तो बोलता है हाँ सर यही करना है, तो अरे बस ये तो पढ़ना है खाली। तो एक एक्टर का आपने कहीं पे कहा भी था कि ये कैरेक्टर उतना अच्छा एक्टर है नहीं, तो जब आप एक ऐसा एक्टर प्ले कर रहे हैं जो अपने आप में वो जो शीशा देख के ऐसा वाला एक्टर जो होता है वो कर रहा है, जो उसकी उस वक्त आप कैसे वो एक एसोसिएशन या जो भाव या जो महसूस है? सुधीर के घर के सीन देखे थे? जी सर, जिसमें विग नहीं था। जी सर, वैसे ही बैठा रहता था। जी सर, तो मैं बात कर रहा था कि उस एक्टर को, उस सुधीर एक्टर को वैसे ही डेवलप करना चाहिए। उसने कैसे डेवलप किया था? वेट मैं पढ़ता नहीं, बोले जो वो खुद नहीं है। इस पूरे पिक्चर का तोड़ी यही था वो विक, वो लगते ही वाह आई एम सुधीर, लेकिन घर में जब रहता था कहीं से ऐसा नहीं बढ़ रहा था, समझ गया निचोर? जी सर, समझ गए। जो ऋतिक रोशन, आमिर खान, शाहरुख खान और इन सब का फोटो लगाए हुए हो और एक्टिंग स्कूल में बैठे हुए हो, तुम क्या हो? असली सुधीर तो वही है ना जब लास्ट में विग उठा के फेंक देता है जी। कि मैं ये हूं, आज मैं जान गया, वो जो मैं नकली जिंदगी, आई विल नो दैट ह्यूमन बीइंग, शायद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाया हूं। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ मतलब वो सीन, मतलब जो उसके घर में जब उसके आसपास का जो झूठ है वो नहीं है, नहीं है, तब वो क्या है, वहां से आपको रास्ता मिला था उस कैरेक्टर का? जी, उसके घर का जो झूठ है, पापा क्या कर लोगे, आप 1000 फिल्म भी कर लोगे तो रहोगे तो साइड एक्टर ही ना। यो नो आई विल दैट। और उसका सर उसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, वो जो लाइन है एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है, वो हाँ एक्टिंग वाली लाइन जो है जी, इस सुधीर के उससे मैच खाती है, एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन और ऑप्शन उस समय उसने एक्टिंग में बोला था जी। अब जैसे कभी मैं नहीं रहूं या काम वाम छोड़ा हुआ हूं और वो जो सबसे आपकी हिट लाइन थी ढोलू जस्ट चिल, एक बार बोल के दिखाएंगे ढोलू जस्ट चिल, बस चिली करो, अब तो कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है। तो ये राइटर डायरेक्टर इन सब का मिला जुला करके निकला हुआ, देखो कितनी बड़ी बात, मुझे आज अभी एहसास हो रहा है एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या है, वो उसका डायलॉग था जो इसके रियल लाइफ में, बोलने वाले के रियल लाइफ में एक मायने रखने लग गया, एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन क्या। जो एक और रोल है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है वो है वॉर छोड़ना यार में, जो आपने कमांडर खान का रोल किया था, वो बड़ा कमाल का रोल था, गोलियां चल का रही है
वो उसके बारे में बताइए सर, वो क्या उसमें आपने उसका जो अप्रोच था आपका वो किस तरीके का था कि उसमें मेरे गुरुजी, उसका डायरेक्टर ही बड़ा आली रहे सर, ये वो बोल लिया आप जा रहे हो तो वहां से वो बोल लिया, वो वहां से बोल लिया, मैंने कहा इसी को चुपचाप कर दूं उठा के, बड़ा मजा आएगा। और उसमें जो दूसरा बेस्ट चीज था मेरे साथ, जावेद जाफरी, आई लव हिम एज ए एक्टर, एज एन एक्टर आई लव हिम जावेद जाफरी। और पहली बार जावेद जाफरी के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अपन वही आलसी, वो कोई बहाना ढूंढो बोलो कैसे काम हो इनके साथ। मैंने कहा जो डायरेक्टर है ना, अरे बहुत प्यारी प्यारी फिल्म के तुम नाम ले रहे हो, वॉर छोड़ना यार, मजा आता था, पाकिस्तानी बना हुआ है। जी और वो दाढ़ी भी मैंने उसमें लाल कर ली थी, आज देखूंगा अगर मिला मौका। सर बहुत वो थोड़ी स्टोरी वाइज भटक गई थी फिल्म, वही प्यार मोहब्बत में चली गई थी, अदरवाइज सोचो ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठ के अंतराक्षर खेल रहे हैं दो लोग, दो टीमें क्या बोलो, दो दो आर्मी के लोग, दो आर्मी के नहीं पूरी आर्मी। और बड़ा मजा आता था उसमें, उधर से इंडिया की तरफ से एक गाता था कोई गाना, मौ से गाइए, अब पाकिस्तान वाला मौ से गाने के चक्कर में ये गा रहे यार, मेरे देश किधर थी सोना, ऐसा देश है मेरा, सारे हिंदुस्तान वाले गाने बता, तो बहुत इंटरेस्टिंग वो था। और उसका पूरा इंस्पिरेशन मुझे वो डायरेक्टर ही साहब जो हैं उन्होंने दिया था, जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी, मैंने कहा बस जैसे ये सुना रहा है मैं वैसे ही कर दूं, तो बस जी अच्छी फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म सर, उसका तो हम लोग अभी भी आपस में ऐसा घर में साथ में रहते थे, हम लोग तो चिल्लाते मेरे जवानों जैसे अरे आपने क्या बात था, कमाल का था तुम सर। तो चलिए इसके साथ अब ऑडियंस के जो क्वेश्चंस है वो लेना मैं स्टार्ट करता हूँ। बताओगे। जी सर, और पहला सवाल है संजय मिश्रा सर, आपने इतनी वैरायटी काम आप इतनी वैरायटी का काम कर रहे हैं तो खुद में फ्रेशनेस कब और कैसे नजर आती है आपको? ढूंढ रहा हूँ यार अपने अंदर फ्रेशनेस, लेकिन थोड़ा ट्रेवल कर लेता हूँ, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुन लेता हूँ, ढाम दूँ कुछ तो आ जाती है फ्रेशनेस। और हर बार अच्छे अच्छे दोस्त बनते जाते हैं हर शूटिंग में, उनसे आ जाती है, लोगों के साथ जिंदा रहता हूँ मैं, प्रोफेशनल काम करता हूँ, लेकिन सारे लाइटमैन, आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरामैन सब मेरे दोस्त होते हैं, सबसे खूब हा हू क्या दला खेनी खाली है, लाओ इधर लाओ इधर दो, ये सब में मैं अपने आप को बनाए रहता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ अगर मुझे मजा नहीं आ रहा होता है तो फिर वो मीटिंग करने लगता हूँ, और जहाँ काम कर रहा होता हूँ वहाँ मजा ही, इसीलिए तो ये लाइन ज्वाइन किया यार, कि अपने तरह की चीजें करेंगे। सर अमेय देश पांडे का एक सवाल है, वो पूछ रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वंस ओन प्रोसेस टू एक्ट, अपना खुद का प्रोसेस एज एन एक्टर ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अभी भी मैं कोशिश में हूँ, ये सवाल पूछने के लिए मैं गलत स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं अपने तरीकों को आइडेंटिफाई, अच्छा भी है कि नहीं हो पा रहा है, तो इसी चक्कर में और कुछ कबाड़ी और कुछ कीचड़ निकल जा रहे हैं, अच्छा भी है। देशमुख साहब थे ना, देश देश पांडे साहब, पांडे साहब, नमस्ते। हाँ कबीर का सवाल है कि एक ऐसी दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, एज एन एक्टर फोकस कैसे रखा जाए? थैंक यू कबीर, ऐसी दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, फोकस कैसा रखा जाए? कभी मैं मत बनना, कि मैं मत बनना, मैं बनोगे तो डिस्ट्रक्शन आएगा, बस ये सब तुम्हारा कर्म है दाता कि बात अब तक बनी हुई, ये वाला मंत्र अपनाओगे कि बॉस मैं कुछ नहीं था मुझसे करवाया जा रहा है ये, तो फोकस अपने आप होता जाएगा। मैं बन जाओगे कि मैं अब मैं, तो फिर उसी डिस्ट्रक्शन की तरफ चल जाओगे। एक ऋषिकेश में मैं बड़ा जाता रहता हूँ अलग अलग जगहों पर, तो किसी ने सवाल कहा था कि
ये कोई फिरंगी थी, उन्होंने सवाल किया था कि ये जिंदगी जो है बहुत मतलब डिस्ट्रैक्टिव है, हर कुछ करके देख लिए शांति नहीं मिल रही। तो एक मैडम थी, उन्होंने कहा कुछ लोगों को इधर बिठाया, कुछ लोगों को इधर बिठाया, एक ग्रुप को बोला जब मैं ऐसे करूंगी तो आप ओम बोलना, और एक ग्रुप को बोला कि जब मैं ऐसे करूंगी तो काव 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 करते रहना। तो ओम बोलने लगी, इधर वो काव 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 शुरू कर दिए। तो इस वाले से उन्होंने पूछा, जब आप ओम बोल रहे थे तो ये काव काव? तो कहा नहीं सुनाई दिया। और काव काव जब आप कर रहे थे तो ओम? कहा नहीं सुनाई दिया। तो ये दो डिफरेंट चीज है, ओम और काव काव, ऐसा सब कुछ मैंने सुना था उनका क्या लक्षण था। लेकिन हाँ, दोनों आप ही के अंदर, तो आप जो है अपने ही अंदर रहिए, मैं मत दिखाइएगा। मैं दिखाएंगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कबीर, तू कबीर नाम है तेरा इसलिए तुझे बोल रहा हूँ। हाँ थैंक यू सर। चलो सुप्रिया, एंड जो जो लोग भी आज जी मुझे सर, इस जगह पे ला करके लोगों से बातचीत कराई, शुक्रिया, थैंक यू। और अपने आप को सेफ रखना, समझदार रहना, अफवाहों से बचना, और दूसरों के प्रति प्यार कम कर दो, टच वच थोड़ा कम कर लो, कुछ जी समय की बात है। चलो दोस्तों, बाय, जी थैंक यू सर। जी ठीक सर ठीक है, प्रणाम। थैंक यू सो मच है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्त।